सो हेलो हेलो गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस यार, आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं एक पहली वाली वीडियो में। पहली मतलब पहली नहीं, मतलब हम लोग एक पहली बुझाने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ पर हमारे पास सामने बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और आज हम लोग जिनके वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, उनके चैनल का नाम है माइंड योर लॉजिक। और अभी ये शुरू हो चुका है, अभी हम लोग पूरा सुनते हैं रिया अच्छे के से। दोस्त एक कैंप से गायब हो गए थे। ना ही उनके पैरों के निशान थे और ना ही किडनैपिंग के कोई क्लू थे। रिया उनको ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है, जहां सामने रिया को तीन रास्ते दिखाई देते हैं। रिया तीनों रास्तों को देख के समझ जाती है कि किस रास्ते से किडनैपर उन्हें लेके गया होगा। लॉजिकल आर्मी के आप रास्ते ABC को देख कर बता सकते हैं वो कौन सा रास्ता हो सकता है? सोचिए सोचिए। तो पहले रास्ते में तो हमें दिख रहा है कि कोई जानवर के पैर के निशान है, और दूसरे रास्ते में हमें दिख रहा है कि कोई भालू जैसे बड़े बड़े एनिमल्स के पैर के निशान है, तो वो भी नहीं होगा। और तीसरे रास्ते पे मुझे लगता है कि यहाँ पर गाड़ी के निशान है, सो मुझे लगता है कि उसको वो उस गाड़ी में भर के लेके चले गए होंगे। ये गाड़ी के टायर के निशान है, तो मुझे वही लगता है। सो देखते हैं कि क्या होता है, मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ। आप लोग भी देखिए, ट्राई कीजिए, आप लोग भी कर पाते हैं कि नहीं। और अगर ट्राई कर पाए तो नीचे कमेंट कीजिए। पहले रास्ते में तो शेर के पैरों के निशान हैं, वो लोग वहां गए नहीं होंगे। दूसरे रास्ते में हाथी के पैरों के निशान हैं, और तीसरे रास्ते में घसीटने के निशान हैं। मतलब जिसने भी सभी को पकड़ा है, हो सकता है इसी रास्ते से घसीटते हुए लेके गया हो। भाई एक सेकेंड, मैंने तो सोचा था कि गाड़ी के टायर के निशान होंगे, यहाँ पर तो घसीटने के निशान है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सही हो चुके हैं। अभी तो देखते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन है, हम लोग भी आसानी से पार कर ही लेंगे। चलो जल्दी से देखते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन है। तीसरे रास्ते पे निकल पड़ते हैं। रिया आगे बढ़ती है तो उसे एक खाई दिखाई देती है। खाई को क्रॉस करने के लिए स्टोन्स का एक ब्रिज बना हुआ है। स्टोन के ब्रिज पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। रिया और ब्रेवो 1, 1, 2, 4, 7, 15 पे जंप करके पहुंच जाते हैं। अब आगे दो स्टोन्स हैं, 26 और 25। क्या बता सकते हैं कौन से स्टोन पे जंप करना होगा रिया और ब्रेवो को? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ओके, लॉजिकल आदमी बोला है तो करना तो पड़ेगा, लेकिन सच बताओ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। मैं अंदाज में बता रहा हूँ कि 27 कहाँ से आया भाई, 26 हो सकता है। मैं ये अंदाज में बोल रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता है। बट आप लोग भी नीचे कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है। अगर आप लोगों का सही हुआ तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि मेरा सही हुआ है। और आप लकी इंसान है भाई, मैं उतना लकी नहीं दो हूँ। स्टोन से पहले तीन स्टोन के नंबर का एडिशन अगला स्टोन है। जैसे 4 है 2+1+1, 7 है 4+2+1, तो अगला स्टोन होगा 15+4+7 मतलब 26। रिया ये समझ जाती है और रिया और प्रेवो स्टोन पे जम करके खाई को क्रॉस कर लेते हैं। अरे भाई पहले बताना चाहिए था कि मुझे यहाँ पर दिमाग भी लगाना है। मैं तो बस तुक्के से बोल रहा था कि 26 होना चाहिए था, तो 26 हो गया। हमने दिमाग भी नहीं लगाया, हो गया। हमें होने से मतलब है, अभी तक तो सारे क्वेश्चंस मेरे ठीक है। अभी देखते हैं कि आप लोगों के कितने सही है कितने गलत है। रिया जंगल में आगे जाती है कि तभी कुछ पेड़ की टहनी आकर रिया और ब्रेवो को पकड़ लेते हैं और खींचते हुए जंगल में ले जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो पेड़ रिया को एक विशाल पेड़ के पास लाकर छोड़ देते हैं। रिया जैसे ही पेड़ की तरफ देखती है, वहां पर चारों कैंप वाले लोग होते हैं जो कि पेड़ों में फंसे होते हैं। रिया उनको छुड़ाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, वो पेड़ जोरों से चीखता है और रिया को रोकता है। रुक जाओ नादान लड़की, वरना तुम्हारे साथ ये चारों भी मारे जाएंगे। लेकिन तुम हो कौन? इन लोगों को क्यों पकड़ा है? मैं एक जंगल का राजा हूँ और तुम इंसानों ने हमारे जंगल को खत्म कर दिया है, इसलिए अब जो भी इंसान यहाँ आता है हम उसको अपना गुलाम बना लेते हैं। लेकिन ये बुरे लोग नहीं है, हम तुम्हारे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। अगर इनकी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, और तुम उस काम के लिए काबिल हो पहले ये साबित करो। दो मेरी इस पहेली का जवाब। और वो पेड्रिया से एक पहेली पूछता है। हरी झंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए। भाई पहली चीज मैं जो बोलना चाहता हूँ, इस बंदे ने जैसे बोला कि सोचिए सोचिए, मुझे ये सुनने में बहुत ज्यादा फनी लग रहा है। आप लोगों को फनी लग रहा होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ही फनी लग रही है। और दूसरी जो बात है, इस बंदे ने जैसे बोला कि ये जो पेड़ है या इस जंगल का राजा है, आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि जंगल का राजा शेर होता है या फिर ट्री होती है, ट्री होता है। आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। और
इसको मैं पूरा पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या इसका क्या आंसर होता है, मुझे थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हरी झंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। तो मुझे जैसा लग रहा है कि लाल तो मिर्ची होती है और हरी का तो मुझे कुछ पता नहीं, और तौबा तौबा मतलब जब मिर्ची खाने के बाद तीखा लगता है तब लोग मतलब थोड़ा वो करते हैं ना उनको तीखा लगने के बाद, तो मुझे लग रहा है मिर्ची होगी। सो देखते हैं कि क्या होता है। इस पहेली का जवाब है मिर्ची। रिया इसका जवाब दे देती है, जिससे खुश होकर जंगली पेड़ रिया से कहता है, रिया तुम बहुत होशियार हो और बहादुर हो, और मुझे लगता है तुम मेरा काम कर सकती हो। असल में पूरे जंगल में शक्ति आने का एक पावर सूत्र है, जो कि जंगल के पार दूसरी तरफ है। वहां से तुम एक जड़ी बूटी जो सबसे ज्यादा अनोखी और किसी भी चीज को ठीक करने की शक्ति रखती हो, उसको लेकर जंगल में आना होगा और नदी के पानी में डाल देना होगा, जिससे यहाँ जो पेड़ मर रहे हैं वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे और हरे भरे हो जाएंगे। बोलो, कर सकती हो तुम? ठीक है, मैं ये कर दूंगी, लेकिन ध्यान से, जंगल में बहुत सारे मायाजाल और खतरनाक जीव मिलेंगे। कल का सूरज डूबने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। रिया और ब्रेवो इस मिशन पे वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे ही दोनों आगे जाते हैं, रिया को स्टोन वाला रास्ता दिखता है। रिया जैसे ही एक स्टोन पे पैर रखती है, तभी दोनों साइड से बहुत सारे तीर निकलकर रिया पर हमला करते हैं। रिया तुरंत पीछे हट जाती है और समझ जाती है कि अगर इन स्टोन वाले रास्तों को पार करना है तो पहेलियों को सुलझाना होगा। तभी रिया देखती है हर स्टोन पर एक पहेली है, और उसके जवाब के लिए बड़े स्टोन के आगे तीन छोटे स्टोन हैं, जिन पर से आगे जाया जा सकता है। रिया पहली पहेली पढ़ती है, ऐसी चीज का नाम बताओ जिसको हम सभी पानी के अंदर खाते हैं, क्या हो सकता है इसका जवाब? लॉजिकल आदमी सोचे सोचे, दवाई, गोटा या खाना? देखो यहाँ पर जैसे लिखा है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम लोग पानी के अंदर खाते हैं, तो गोटा क्या चीज है वो तो मुझे नहीं पता, खाना भी हम लोग पानी के अंदर नहीं खाते, दवाई हम लोग पानी के साथ खाते हैं, लेकिन पानी के साथ खाते हैं पानी के अंदर तो नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे इसका आंसर दवाई लग रही है। आप लोगों का क्या आंसर है आप लोग नीचे कमेंट में बताइए, अभी मैं देखता हूँ कि इसका क्या आंसर है। रिया तुरंत ही सेकंड नंबर वाले स्टोन पे कूद जाती है और कोई भी तीर निकल कर नहीं आता, मतलब ये सही जवाब था, पानी के अंदर ही हम लोग गोटा खाते हैं। भाई साहब क्या ही आंसर निकाला है बंदे ने। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुझे अभी पता चल गया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अब से सब कुछ सही होगा, सब मैं करेक्ट देने वाला हूँ। सो देखते हैं नेक्स्ट वाला। इसके बाद रिया अगली पहेली रीड करती है, ना ही मेरे पास हड्डी है ना ही है मेरे पास मांस, फिर भी मेरी उंगलियां है, बताओ मैं हूं कौन? क्या लगता है लॉजिकल आर्मी, क्या होगा इसका जवाब? फिंगरप्रिंट, फिंगरचिप्स या ग्लव? सोचिए सोचिए। देखो मुझे तो इसका आंसर ग्लव लग रहा है, क्योंकि उसके पास हाथ मतलब हड्डियां नहीं होती लेकिन उसके पास उंगलियां तो होती है ना, सो मुझे इसका आंसर ग्लव ही लग रहा है। सो देखते हैं कि क्या आंसर होता है, आप लोग भी अगर सही जवाब देते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए कि मैंने सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब है स्टोन नंबर 3, ग्लव, जिसके पास ना हड्डी होती है ना मांस होती है लेकिन फिंगर्स होती है। रिया स्टोन 3 पे कूद जाती है और फिर अगले स्टोन की पहली रीड करती है, ऐसा एक सवाल बताओ जिसका जवाब हर बार बदल जाता है, सवाल हर बार सेम होता है लेकिन जवाब हर बार अलग होता है, टाइम, खाना या पानी, क्या है इसका जवाब? देखो मुझे तो इसका आंसर टाइम लग रहा है, क्योंकि खाना और पानी तो कभी मतलब अलग होते ही नहीं यार, टाइम हर वक्त अलग होता है, सो मुझे इसका आंसर टाइम लग रहा है। आप लोगों का क्या आंसर है नीचे कमेंट कीजिए। रिया तुरंत समझ जाती है कि इसका जवाब है टाइम। रिया और ब्रेवो स्टोन वन पे कूदते हैं और स्टोन वाले रास्ते को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। दिखती है वहां बहुत सारे फूल और जड़ी बूटी होती है, लेकिन उसे क्या चाहिए वो उसे समझ नहीं रहा था। लेकिन एक बात थी, यहाँ जितने भी फूल और जड़ी बूटी थी सब में एक जैसी ही खुशबू आ रही थी। रिया को समझते देर नहीं लगती कि वो जड़ी बूटी कोई ऐसी जड़ी बूटी होगी जिसकी खुशबू थोड़ी अलग होगी। रिया तुरंत ही सभी फूलों को सूंघने लगती है और एक फूल की खुशबू सबसे अलग होती है। रिया समझ जाती है कि यही सही जड़ी बूटी है। रिया उस जड़ी बूटी को लेकर बाहर जाने लगती है, पर उसे आसपास पे कहीं ब्रेवो दिखाई नहीं देता। रिया काफी आवाज लगाती है लेकिन ब्रेवो कहीं भी नहीं दिखता। रिया आगे जाने लगती है तो उसे ब्रेवो का पट्टा चार बड़े बड़े फूलों के बीच में फंसा हुआ दिखता है, लेकिन ब्रेवो दिखाई नहीं देता।
कहां चला गया होगा ब्रेवो, रिया घबरा जाती है। रिया उन फूलों के पास जाती है तो रिया को वहां कुछ रास्ता जैसे दिखाई देता है, शायद ब्रेवो इसी रास्ते से गया होगा। फूलों के पास पहुंचते ही एक फूल खुलता है और रिया को अपने अंदर निगल लेता है। रिया फूल के अंदर स्लाइड होते हुए नीचे गिरने लगती है और धड़ाम से जाके जमीन पे गिरती है। वहां रिया को ब्रेवो के पैरों के निशान भी दिखते हैं। रिया निशान को फॉलो करते हुए आगे जाती है तो रिया को दो गुफा दिखाई देती है। दोनों के सामने ब्रेवो के पैरों के निशान थे। ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब इनमें से एक फेक है? क्या बता सकते हैं कौन सा फेक है, ए या बी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। भाई सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई इस बंदे ने बहुत ज्यादा ही अच्छी वीडियो बनाई है, क्योंकि भाई क्या ही कहानी थी, क्या ही चीज थी भाई। मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आया इस वीडियो को देखने में। एंड मैं फिर से बता देता हूँ, उनके चैनल का नाम है माइंड योर लॉजिक। आप लोग अगर इनके चैनल में जाओगे तो ऐसी और भी वीडियोस देख सकते हैं। एंड यहाँ पर दो बोला है कि कौन सा राइट वाला है, सो मुझे तो लगता है कि ए ही होगा, क्योंकि देखो जो बी वाला है उसमें जो पैरों के निशान है वो छोटे बड़े हो रहे थे, और लास्ट में जो मतलब जो पैर के निशान है वो बहुत बड़ा है। जो हमने जो डॉग देखा था वो बहुत ज्यादा ही छोटा है, इसका मतलब उसके पैर के निशान भी छोटे ही होंगे, और ए वाले पैर के निशान देखो वो नॉर्मल है, सो मुझे तो लगता है कि ए ही होगा। आप लोगों का क्या आंसर है नीचे कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, पैरों के निशान बड़े छोटे हो रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? रिया गुफा ऐसे अंदर चले जाती है तो वहां ब्रेवो रूट्स में फंसा हुआ होता है। रिया उसको निकालने की कोशिश करती है लेकिन खुद भी उनमें फंस जाती है। अब क्या होगा आगे, क्या रिया और ब्रेवो इस ट्रैप से निकल पाएंगे, देखेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू। और आप लोग अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोग को बहुत ही बड़ा थैंक यू, और हम लोग भी अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये यहाँ से निकल पाते हैं या फिर नहीं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगले एपिसोड में मतलब दूसरे एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए उस वीडियो को भी देख लेना और लाइक भी कर देना। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ये तो कॉपीराइट लग जाएगा। सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, और चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।